बेटा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सबस्टिट्यूशन मेथड। देखना भाई, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सबस्टिट्यूशन मेथड। बेटा एक एक्स्ट्रा पेन दे देना अगर हो तो। बहुत बढ़िया, तीन को चाहिए। किस किस को चाहिए नाम बताना। हाँ तुझे भी चाहिए। क्या नाम है? सचिन। तो वो तो उसके भरोसे आ गया हुआ। बेटा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अभी तक हमने बस फॉर्मूले ही सीखे हैं और बेसिक सीखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन ही मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के। भले ही ये चैप्टर बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सॉल्व करते हैं, बट बेसिक तीन ही मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। पहला मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो ओनली देयर आर ओनली थ्री मेथड्स टू सॉल्व इंटीग्रेशन, उनमें से एक मेथड यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, आपको सबको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे, स्टार्टिंग वाले 12 फॉर्मूले, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वैसे क्वेश्चन है e रेस पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इंटीग्रांड के अंदर एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल हो। कहां पे? इंटीग्रांड के अंदर ही। यहाँ पे आपको एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में ही अवेलेबल हो इंटीग्रांड के अंदर। तो सबको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो मैंने वो टर्म ढूंढ लिया है गाइस, साइन एक्स है वो टर्म जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो जो भी टर्म आपने ढूंढा है उसी को आप पुट करते हैं, उसी को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो t equals to sin x, यही वो टर्म है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए हमने sin x को t पुट करना है। आप सुनना भाई आगे करते हैं क्या है, dt by dx निकालोगे, t को डिफरेंशिएट करोगे मतलब sin x को डिफरेंशिएट करोगे, क्या होगा cos x, फिर इस dx को उधर ले जाओगे, dt equals to cos x into dx, ठीक है। dt equals to cos x into dx करना क्या होता है, ये इसका डेरिवेटिव है, साथ में dx भी ले लो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, cos x into dx की वैल्यू दिख रही है आपको, ये वाली। हाँ आपको हमेशा इन दो चीजों का यूज करना है, एक ये और एक ये, t आपने किसको पुट किया, sin x को। तो जहां भी sin x दिख रहा है वहां पे t लिख दो गाइस, लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर जो उसका डेरिवेटिव उसके साथ में dx जरूर ले लो, तो cos x into dx की वैल्यू भी निकाल ली गाइस, कितना है t, कितना आ गया dt, ठीक है। ओके गाइस करो e की बार t dt, e की बार t dt क्या हुआ, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका। हां जी e की बार x का फॉर्मूला आएंगे, वेरिएबल का नाम ही तो चेंज है, x होता यहां पे, x होता तो आप e की बार x लिखते, यहां पे e की बार t आएगा, दैट्स इट, ठीक है। बेटा यहाँ तक ये देखो, आज का जो टॉपिक था वो था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मैं इसमें रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बेटा इसमें करते क्या है, आपको इंटीग्रांड के अंदर, ये इंटीग्रांड है, एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल हो। यहाँ पे ये वो टर्म है साइन एक्स जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, cos x, इसलिए हमने इसी टर्म को sin x को ही t माना है, सब्स्टिट्यूट किया है sin x को t, ठीक है। तो बेटा dt t का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, dt by dx क्या आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। उसके बाद करते हैं कि हम इसके साथ में dx भी ले लेते हैं, ये इसका डेरिवेटिव था, हमने इसको उधर मूव करा दिया, क्या आ गया cos x into dx, क्या आ गया dt। अब बेटा इन दो चीजों का यूज करो, है ना, साइन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, हमने लिख दिया, देखो जरा इसकी जगह हमने टी लिख दिया, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के बराबर है, वो लिख दिया मैंने। अब
ई बार टी का क्या होगा गाइस, वो भी टी के रिस्पेक्ट में, अगर ये होता ई बार एक्स डी एक्स तो आप ई बार एक्स ही लिखते प्लस सी, नाम चेंज किया है बस और कुछ नहीं है, ई बार टी प्लस सी, नाउ रिप्लेस टी, क्योंकि क्वेश्चन एक्स के टर्म में था तो यहाँ पे टी को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, साइन एक्स। सो गाइस ये आंसर आ गया, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अगर समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि मैं दो तीन क्वेश्चन और कराऊंगा, ध्यान से सुनना सब लोग बेटा, बट इसके लिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है, डिफरेंशिएशन के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है गाइस, ध्यान देने जरा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ जी, आपको इसके अंदर एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल है, अगर आपको मैं याद दिलाऊं टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स हुआ करता था, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स हुआ करता था, ठीक है ओके, डेरिवेटिव ऑफ, मैं याद दिला दूं अगर कुछ बच्चों को याद नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, ऐसे ही टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है गाइस सेक्स स्क्वायर एक्स। बेटा इंटीग्रेशन जितने का भी आता है करीब करीब 20 मार्क्स मान के चलो, 20 का इसमें से नहीं आएगा लेकिन ओवरऑल, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती तो आप एओआई नहीं कर पाएंगे, आप डिफरेंशियल नहीं कर पाएंगे, तो तीनों मिला के अराउंड अराउंड 20 मान लो आप, 15 टू 20 के बीच में, ठीक है, क्योंकि आगे के तो जो चैप्टर है उसकी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट अल्टीमेटली उसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं आता तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपको चार में से एक भी नहीं मिल पाएगा, याद होने वाला है अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो। बिल्कुल भाई, मैंने क्वेश्चन मार्क कराया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो बिल्कुल सही है जो मैंने बनाया है, ठीक है, लेकिन सडनली इन्होंने जो सैंपल पेपर दिया है ना उसमें एक टॉपिक वो भी डाल दिया है जो डिलीट कर दिया गया, जो इन्होंने सैंपल पेपर बनाया है, जैसे डिफरेंशियल का एक टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कोर्स से डिलीट कर दिया गया, बट उसका भी क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, समझ रहे हो आप, हालांकि वो सैंपल पेपर का मतलब ये होता है कि पैटर्न, पेपर का पैटर्न दिखाते हैं, सिलेबस थोड़ा बहुत कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ जी गाइस, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो यहाँ पे टेन एक्स वो टर्म है जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रांड के अंदर ही अवेलेबल है, क्या है सेक्स स्क्वायर एक्स, इसलिए हम क्या करेंगे पुट टी इक्वल्स टू टेन एक्स, देवांग हम इसमें करते क्या है बेटा, दिस इज इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इसके अंदर एक ऐसा टर्म ढूंढते हैं इंटीग्रांड के अंदर जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल हो, तो ये जो ग्रीन वाला है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए हम इसी टर्म को पुट करेंगे टी, तो टी इक्वल्स टू 10x, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है dt by dx, क्या आएगा sec square x dx, गाइस वहां जाएगा, हमेशा dx को मूव करा दो, sec square x into dx, क्यों किया मैंने ये, क्योंकि एक्चुअली ये रहा इसका डेरिवेटिव, इसके साथ में dx ले लो, तो हम इसकी पूरे की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो गाइस क्या हुआ आप देखो जरा, sec square dx आपको एक तो यूज करना है एक ये यूज करना है, sec square dx की जगह dt, ठीक है, और यहाँ पे गाइस ये जो है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन तो साइन है और tan x की जगह t, ठीक है भाई, अब sin t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो कुछ नहीं नया नहीं है, अगर ये x होता नाम ही तो चेंज किया है, ठीक है, तो sin t का क्या होता है गाइस माइनस cos होता है, माइनस cos t प्लस c, बट ये आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन अगर x के टर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में होगा, ठीक है भाई। बेटा आवाज क्या मेरी अभी भी ज्यादा गूंज रही है, ओके okay. यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉस टी की जगह क्या लिख देंगे टेन एक्स प्लस, सो गाइस ये इसका आंसर है, ठीक है, मैं थोड़े और क्वेश्चन कराऊंगा डोंट वरी, लेकिन आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं है तो इस मेथड में दिक्कत आती है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और साथ में डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, मैं ज्यादा फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा, इधर सुन लो भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स
ये तो 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स छोड़ो, टेन इनवर्स एक्स. ठीक है गाइस, टेन इनवर्स एक्स ध्यान देना जरा. टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एक्स होता है 1 ओवर एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो गाइस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको पहले से ही. और कुछ और भी थे डेरिवेटिव के फॉर्मूले, हाँ जी याद है किसी को? और मैं याद दिलाता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 बाय एक्स होता है. डेरिवेटिव ऑफ ई बार एक्स क्या होता है? ई बार एक्स होता है. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करा लूंगा, ध्यान दे रहा. इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ई बार एक्स इंटू ई बार एक्स. बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. आपको एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल हो. तो यहाँ पे ये वो टर्म है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल है. ठीक है, इस पिंक वाले का डेरिवेटिव अवेलेबल है. क्या अवेलेबल है? ई की पावर एक्स. ठीक है, तो बेटा हम इसी को पुट करेंगे, पुट टी इक्वल्स टू ई रेज पावर एक्स. क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ जी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही आएगा. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? यहां से डी टी इक्वल्स टू ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स. अरे किस किस को ये डिफरेंशिएशन नहीं आता अभी? बिल्कुल भी फॉर्मूले नहीं आते. 18 फॉर्मूले स्टार्टिंग के आते हैं. ठीक है गाइस, तो क्या करेंगे आप? आपने इसकी वैल्यू निकाल ली. कितनी निकाल ली इसकी वैल्यू? डीटी निकाल ली है, देख सकते हो आप. डीटी लिख, इसकी जगह डीटी लिख देंगे. लिख दिया मैंने इसकी जगह डीटी. ठीक है, और क्या है? कॉस ऑफ ब्रैकेट में ई बन एक्स. आपने ई बन एक्स को भी तो कुछ पुट किया है. क्या पुट किया है गाइस? टी. ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या हो जाएगा? साइन टी प्लस सी. ठीक है, यहाँ पे साइन और टी की जो वैल्यू है डाल देंगे. दिस इज द आंसर. ठीक है भाई, तो कोई खास नया कॉन्सेप्ट नहीं है. अच्छा भाई, इधर देखो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एक्स. याद नहीं है तो याद कर लो. ठीक है बेटा, वन मोर क्वेश्चन. लॉग एक्स का होल पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स. हाँ जी करें गाइस. एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल हो. ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एक्स होता है गाइस. और मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल होना चाहिए, तो एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन में ही है, देख सकते हो आप, है ना. मैंने जानबूझ के ऐसा लिख दिया इसको. सबको पता है लॉग एक्स जो है हम इसको टी पुट करेंगे क्योंकि इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल है. गाइस खुद करें, जल्दी से लिखने का तरीका आना चाहिए. खुद करें, हो गया, बहुत अच्छी बात है. विल डू वन मोर क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने. गाइस इसमें क्या करना था हमने? इसमें हमने पुट टी को लॉग एक्स किया. ठीक है, जिसने नहीं किया देख ले रहा. डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 बाय एक्स. गाइस क्या करेंगे? डी एक्स को ले जाएंगे तो क्या आएगा? डी टी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है भाई, आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं कि हम इन दो चीजों का यूज करते हैं, है ना. एक तो इसका और एक इसका, है ना. यहाँ देखो 1 बाय एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा? मैं यहाँ डी टी पुट करूंगा. लॉग एक्स की जगह क्या पुट करूंगा? टी पुट करूंगा. ठीक है, टी क्यूब डी टी क्या होगा? टी की बार 4 बाय 4 प्लस सी. एट लास्ट क्या पुट करेंगे गाइस? टी की जगह लॉग एक्स का होल पार 4 बाय 4 प्लस सी. किसी को कोई डाउट है तो बता दो. ठीक है भाई, क्लियर है बेटा? जिन्होंने फर्स्ट टू असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं किया ना, बड़ी दिक्कत होगी अगर आप ऐसे चलते रहे तो. फिर ये चैप्टर आपको नहीं आने वाला. जो क्लास दे रहा हूं उसके बाद आपको असाइनमेंट करना ही करना है. हाँ जी, ये देखो मैं पहले बता रहा हूं और देख लेना बाद में भी यही फील करोगे आप, जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई है. हाँ जी, यहाँ पे क्या करेंगे?
यहाँ पे एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव, बेटा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखो मैंने अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, ये रहा, हाँ जी देख सकते हैं आप लोग गाइस, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये रहा, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो फॉर्मूला याद होगा तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ये रहा क्वेश्चन, इसमें हमें एक टर्म मिला साइन इनवर्स एक्स जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिसिटी में अवेलेबल है, ठीक है बेटा। एक ही पांच छह एग्जांपल दे दिए मैंने, और क्या दूसरे ज्यादा, ठीक है। सबको पता है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हम टी पुट करने वाले हैं, इसको टी पुट करने वाले हैं, कर दो गाइस, खुद करना है कॉपी पे जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो टी को साइन इनवर्स एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्सेप्ट, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख देंगे डी टी, और इसकी जगह एक ही बार, हाँ जी ठीक है, ये दोनों चीज यूज करते हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। तो क्या हुआ एक बार टी का, क्या हुआ एक बार टी का इंटीग्रेशन एक बार टी होता है गाइस, प्लस सी, जस्ट रिप्लेस टी, टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, साइन इनवर्स एक्स से, ठीक है भाई कोई डाउट है, आगे चलते हैं गाइस। देखो भाई इधर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, सोचे मैं नहीं बताऊंगा, सोचे आप लोग, सिंपल है, एक ऐसा टर्म ढूंढना होता है जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल हो। भाई देखो यहाँ पे हम यहाँ पे जानबूझ की x कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचा, वन प्लस log x। गाइस ध्यान से सुनना, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय x, बट मेरी बात सुने, आप log x को t पुट कर सकते हैं, बट उससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास, आप log x को t पुट कर सकते हो, बट आप log x के साथ में वन को भी ले लो, उसको भी लपेट लो साथ में, log x प्लस वन दोनों को t पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि उसका जीरो हो जाएगा, मतलब जितने बड़े को पुट करोगे उतना जल्दी सिंप्लीफाई होगा, log x को आप t पुट करते वो भी ठीक था, बट बेटर टू पुट वन प्लस log x as t, dt by dx, क्योंकि जितनी बड़ी चीज को छोटा बनाओगे उतनी जल्दी सिंप्लीफाई होगा, dt by dx क्या होगा, वन का जीरो इसका वन बाय एक्स, गाइज ये dx उधर गया, ठीक है। सो dt क्या हुआ, वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, है ना। एक्चुअली ध्यान से देखें, दिस वाज नथिंग बट गाइस ये ऐसा था, है ना, आपने एक तो ये यूज कर लेना है, एक ये यूज कर लेना है, ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, अभी देखते हैं क्या होगा, एक मिनट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, पहले आप देख लो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ओके गाइस ये 1 बाय x * dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ये 1 है नीचे ना t हो गया, है ना, 1 बाय t का क्या होता है log t बट मॉड का प्लस, ठीक है सिबू, बेटा t को रिप्लेस कर दो किससे, 1 प्लस log x, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ओके ध्यान देंगे भाई सब लोग, क्लियर है ये, हाँ हाँ जी गाइस ध्यान से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ जी किसको पुट करना चाहिए, देखो कुछ बच्चे ये बार एक्सपोर्ट नहीं पुट करेंगे, सुन लो भाई, कुछ बच्चे e की बार x को t पुट करेंगे, बट बेटर टू, बेटा बात है नहीं, बेटर टू पुट होल डिनोमिनेटर, क्योंकि e पर x का भी e पर x होगा, और 4 into e पर x का, आप बोलेंगे सर 4 भी तो आ रहा है, कांस्टेंट से घबराना नहीं है, कांस्टेंट को तो हम इधर उधर मूव करा देंगे, देखना कैसे, अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर e पर x को t पुट करना है, परफेक्ट है गलत नहीं है वो, ठीक है, बट ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, मैंने पूरे को पुट कर रहा हूं, देखना इससे फायदा क्या होगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे गाइस 4 इज अ कांस्टेंट कम आउटसाइड e पर x का e पर x आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है गाइस, मुझे ना एक्चुअली इसकी इसकी वैल्यू निकालनी है गाइस,
ये बार एक्स इंटू डी एक्स। आपको देखो दिस इज जस्ट लाइक बेटा फोन पे ग्रीन कलर दिख रहा होता है ढंग से या व्हाइट लिख व्हाइट से लिखूं? हाँ जी गाइस सही है सर सही है। ओके सो गाइस देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इगीबन एक्स डी एक्स, ये रहा इगीबन एक्स डी एक्स को ले जाओ। इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है इसकी चिंता करनी नहीं है क्योंकि मैं इस कांस्टेंट को इधर मूव करा दूंगा, क्या देगा 1/4 डी टी। समझ में आ रहा है गाइस? तो डेरिवेटिव में अगर आपके डेरिवेटिव में कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है, मल्टीप्लिकेशन में जो भी आ रहा है उसको तो आप ऐसे मूव करा दोगे। जैसे देखो ठीक है भाई, e की पर x को हमने नहीं पुट किया, हमने 4 into e की पर x plus 3 को पुट कर दिया। ठीक है अब गाइस ध्यान देना, इसकी जगह हम लिख देंगे 1/4 dt। अरे देख लो एक बार, और इसकी जगह लिख देंगे गाइस 1/t। इनफैक्ट ये जो 1/4 मैंने लिखा था मैं इसे डायरेक्टली बाहर लिख सकता था, इसको यहां ना लिख के मैं यहां लिख सकता था, समझाने के लिए किया बस ये तो मैंने। अदरवाइज आप डायरेक्टली जब लिखोगे 1/4 dt तो 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर लिख दो। ठीक है क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो। इसकी जगह मैंने dt लिख दिया 1/4, तो 1/4 तो बाहर आ गया, इसकी जगह हम t लिख देंगे, आ गया 1/t dt और 1/4 बाहर निकाल लिया। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना गाइस। ये क्या हुआ log of mod plus c, ठीक है जो भी वैल्यू है वो आपको पुट तो करनी ही होगी। ठीक है रिप्लेस तो करना ही होगा, अगर आप यहाँ छोड़ देते हो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई क्लियर है, फिर आउट है, आगे बढ़ते हैं गाइस। करो आपको करना है गाइस, मैं याद दिला देता हूँ डेरिवेटिव इसका tan इनवर्स x का करा दिया मैंने, नहीं कराया मैंने, आपको करना है जल्दी करो जल्दी। ठीक है हो गया बेटा, बातें नहीं इधर देखो भाई, सब लोग कोई भी बातें नहीं करेगा। सो गाइस ये क्लियर है, आगे देखना भाई सब लोग, इसे आप सीधा सीधा लिख दोगे साइन टी डी टी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया गाइस। ठीक है आप किसको पुट करोगे सबको बताएं, इसको पुट करेंगे। ओके बेटा साइन टी का क्या होता है, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस तो माइनस कॉस है, टी की जगह क्या लिखेंगे गाइस, टी की जगह हम टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे प्लस। ठीक है भाई ओके गाइस ध्यान देने रहा एक क्वेश्चन और, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां पे गाइस है x प्लस 1 dx। देखना भाई सोचो कि क्या करना चाहिए, जस्ट ट्राई टू थिंक ओवर इट। अगर मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव देखूं तो क्या आएगा 2x प्लस 2 आएगा। अगर आपके डेरिवेटिव में कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है घबराने का नहीं, 2 जो है एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, बट मैंने बोला था कांस्टेंट जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव में उसकी चिंता करनी नहीं है क्योंकि वो तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। देखो ऐसे चाहे तो क्या दिक्कत है, या मत बनाओ दिक्कत क्या है, बिना बनाए भी हो जाएगा। ठीक है क्या सिखाते हैं हम बच्चों को, देखो भाई हाँ हाँ भाई पुट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। ठीक है तो गाइस डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। ठीक है गाइस डी एक्स को तो ले जाओ और 2 को तो ले जाओ, क्या हो गया 1/2 डी टी, किसके बराबर है गाइस x प्लस 1 इंटू डी एक्स, कोई डाउट है क्या? अरे इधर देख लो भाई सब लोग, ठीक है ये रहा आपका 1/x इंटू डी एक्स, ये रहा आपका 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है ओके ध्यान देना भाई सब लोग, 1/x इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे हाफ डी टी, हाफ यहाँ आ गया डी टी आ गया। ठीक है भाई
यहाँ पे गाइस, यहाँ पे वन बाय एक्स एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स डी टी डी एक्स लेके आएगा, ये हाफ डी टी है, हाफ डी टी ठीक है, इसको उठा के हाफ डी टी लिख देगा गाइस। और नीचे क्या लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ वन बाय टी का इंटीग्रेशन, हाफ तो हाफ है, वन बाय टी का क्या होगा लॉग टी, लॉग टी प्लस सी। गाइस टी को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे टी जो भी है प्लस सी, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट है, नहीं है, ध्यान देंगे भाई सब लोग, क्वेश्चन है आपके लिए। गाइस करो क्वेश्चन, मुझे नहीं पता वो तुम सोचोगे यार, बार-बार मैं थोड़ी बताऊंगा। भाई इसमें एक तो कॉम्प्लिकेटेड ये है, इसको पुट करिए तो सिंपलीफाई होगा पहला पॉइंट, दूसरा इसका जब मैं करूंगा डेरिवेटिव तो क्या आएगा 2x plus 1, क्या यहाँ पे 2x plus 1 है कि नहीं है, ठीक है। आप इसमें से चाहे तो स्टार्टिंग में ही 3 निकाल लो कॉमन, 3 बार आ गया, क्या आ गया 2x plus, थोड़ा ध्यान दें गाइस। इसका मतलब हमें पुट किसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, घबराया मत करो। दो क्वेश्चन दिए गाइस, एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने, पेन नहीं रहते बस। ठीक है भाई, हाँ जी सर देख सकते हैं सीधा आंसर, यू आर ऑल्सो जीनियस, अंदर झांक के देखो बेटा, सब जीनियस है, यूज ही नहीं करते तुम लोग ब्रेन। हाँ जी सिंपल क्वेश्चन नहीं, वन मार्क के आएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, बट ये नहीं आता तो आगे कुछ नहीं आता। हाँ जी देखो भाई कर लोगे ये क्वेश्चन, क्या हुआ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइस, ये 3 है, ये डी टी हो गया, ये रूटी हो गया, ठीक है। रूटी की अगर किसी को नहीं आता तो बता दूं मैं भाई, रूटी का कैसे करते हैं बेटा, टी की पर हाफ है, ये क्या है टी की पर हाफ, यहाँ पे डी टी, ठीक है गाइस ध्यान देना, 3 यहाँ पे टी की पर 1/2 + 1 होगा, बाय 1/2 + 1 होगा प्लस सी, ठीक है वेरी सिंपल, 3 टाइम्स टी की पावर 3/2 बेटा, नीचे भी 3/2 आएगा, आएगा क्या लिख देंगे ऊपर 2/3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय था 3/2 ऊपर ले गया तो क्या हो गया 2/3 प्लस 3 से 3 कट गया, क्या गया 2 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। गाइस टी टी नहीं है, टी टी एक्चुअली क्या था एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है भाई। बेटा इस वाले में आप सब लोग इसको नीचे वाले को टी पुट करके देखो, देखो भाई बच्चों को लगता है डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसका -4x आएगा, -4x डेरिवेटिव आएगा, बट -4 की चिंता करनी नहीं है, 12 आएगा, ठीक है भाई करो जल्दी से। हाँ जी गाइस तो ये क्वेश्चन था, बता दिया मैंने, हिंट भी दे दिया कैसे करना है, हो गया सबका, ठीक है भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आंसर ये आएगा बेटा -1/4 1/t आएगा, क्या लिख दोगे लॉग। सो गाइस ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है भाई सब लोग देख लो भाई फोर्थ का, इस वाले का आंसर, ठीक है -1/4 log of 3 - 2x² + c। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा। रोहित रोहित बेटा क्लियर है, रोहित बताऊं बेटा करके, स्वीटी स्वीटी इसको पुट कर दिया, ये आ गया -4x, -4 को ले आए
माइनस वन बाय फोर डी टी, अरे बातें नहीं, ठीक है। यहाँ पे गाइस हम इसको एक्स डी एक्स को माइनस वन फोर्थ डी टी लिख देंगे, क्या बचा वन बाय टी, माइनस वन फोर्थ लॉग टी मॉड का टी, टी को रिप्लेस कर दो गाइस, दैट्स इट। तो कुछ भी नया नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है गाइस। कुछ और क्वेश्चन देख रहे आप, करें क्वेश्चन, हाँ सबके लिए। मेरे फर्स्ट में थ्री प्लस टू एक्स क्यूब को टी पुट कर दूं, ठीक है फर्स्ट में, ओके सेकंड भी करना है जल्दी से, ठीक है गाइस। तो आसान सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिक्कत आएगी, देखो हम इसको टी पुट करेंगे गाइस, मैं ना डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, कुछ स्टेप्स छोड़ रहा हूँ मैं, आप नहीं छोड़ोगे, अंदर वाले को पुट कर रहे गाइस, सिर्फ इसको फुल बार फोर नहीं लेंगे इसमें, इसको पुट करेंगे ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ऊपर दिख ही रहा है हमें, एक्स स्क्वायर ही तो चाहिए, बट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो सिक्स इधर आ गया, वन बाय सिक्स इंटू डी टी, ठीक है गाइस। हम क्या करेंगे गाइस, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह वन बाय सिक्स इंटू डी टी लिखेंगे, वन बाय सिक्स विल कम आउट साइड, डी टी लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब वन बचा है गाइस, नीचे क्या है टी की बार फोर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोल दो बेटा, यहाँ पे 1 by 6 ये एक्चुअली t by minus 4 है dt, कैसे करेंगे t by minus 4 plus 1 by minus 4 plus 1 plus c, ठीक है, नीचे minus 3 आ गया गाइस और 6 है, minus 1 by 18 आ जाएगा गाइस, इन दोनों को अप्लाई कर दो, minus 3 plus 6 into 6 क्या आ गया minus 18 है ना, t by minus 3 plus c माइनस वन बाई एटीन, इधर देखो भाई वन बाय टी का होल पावर थ्री प्लस सी, अभी भी आंसर दिया है, कई बच्चे सोच रहे यही आंसर है, बिल्कुल नहीं है, टी को रिप्लेस करना ही होगा, जो भी टी था आपका थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है भाई बोल बेटा। भैया थ्री और नीचे, अच्छा बेटा एक मिनट, क्या बोल रहा है बेटा दोबारा बोल, टू एक्स स्क्वायर थ्री आएगा सर वो, अच्छा टू एक्स स्क्वायर थ्री सही बोल रहा है, ये तो टी है एक्चुअली दिस इज, ठीक है कुछ नहीं, टी की सही वैल्यू डालनी है जो आपने पुट करी थी, कुछ और ना डाले, ठीक है ध्यान से, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉग एक्स को पुट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉग एक्स को चला नहीं रहा है, ओके गाइस वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, लॉग एक्स को टी पुट करना है, ठीक है कर लोगे, पीछे लाइट डालो, ठीक है ठीक है गाइस क्लियर है, ओके सो गाइस यहाँ पे ये हो जाएगा एक्चुअली टी की पावर माइनस सिक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है कर लिया होगा आप लोगों ने, टी पावर माइनस फाइव बाय माइनस फाइव प्लस सी माइनस वन फिफ्थ गाइस, मैंने कुछ स्टेप छोड़े हैं, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो मैं बता दूंगा दोबारा, क्लियर है बेटा ध्यान देना जरा, अगला क्वेश्चन आप सब लोगों ने ना ये कर लिया है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, लेट्स से e की पावर 3x plus 5, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, किससे लिमिटेड चेन रूल के नाम से कराया था मैंने, लिमिटेड चेन रूल के नाम से कराया था मैंने, क्या बोला था बेटा कि जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर x की जगह x का लीनियर फंक्शन बैठा हुआ है तो,
क्योंकि सेम इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है e की पावर x का अवेलेबल है। बस ये बेटा यहाँ पे x के लिए क्या क्या है देखो बेटा 3x plus 5। तो आप कैसे करते थे, आप करते थे इसका e की पावर x से क्या आएगा, e पावर x ही आएगा। तो x की जगह आपने 3x plus 5 लिख दिया डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x plus 5। उस दिन मैंने रीजन नहीं बताया था, आज मैं रीजन बताऊंगा। इनफैक्ट जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है वही इसका रीजन है, वही इसका रीजन है गाइस। ठीक है देखो इधर मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा हूँ। कैसे, मैं इसको ही टी पुट करूंगा, मैं 3x plus 5 को ही टी पुट करूंगा क्योंकि 3x का 3 हो जाएगा, x तो कहीं बचा ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही तो है, कॉन्सेप्ट को तो कहीं भी मुंह पुरा लेंगे। वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लीनियर फंक्शन को टी पुट करने से गड़बड़ कभी नहीं होगी, थोड़ा आसानी होगा। किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में लीनियर फंक्शन को आप कभी भी टी पुट कर सकते हो जब मन करे। जैसे कि मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ वो टी इक्वल टू 3x plus 5। हालांकि इसका डेरिवेटिव आपको नहीं नजर आ रहा होगा, वैसे भी इसका डेरिवेटिव 3 है, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख भी सकते हैं, ये लो लिख दिया, वो दिक्कत है क्या? मत लिखो तो भी चलेगा काम, मैं नहीं लिख रहा, चलो हटा करो। देखना बेटा इधर देखो सब लोग dx को चले गए, इधर देख लो सब लोग 3 को चले आए, क्या आया 1/3 dt, क्या आ गया dx। गाइस ध्यान देने जरा, मैंने dx की जगह लिख देना है 1/3 dt, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? इसको हटाया और लिख दिया 1/3 dt, और ये e की पावर क्या है, ये क्या है, t है। ठीक है भाई, क्लियर है? e की पावर t का क्या आएगा, e की पावर t ही आएगा प्लस c, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, और t को वापस आप रिप्लेस करोगे तो गाइस क्या आएगा, वही आएगा जो पहले आया था, कुछ नया आया क्या? तो जो मैंने लिमिटेड चेन रूल कराया था आप वैसे क्वेश्चन को वैसे ही करो, क्योंकि दिस विल बी अ टाइम टेकिंग। ठीक है ओके, लिमिटेड चेन रूल से ही करो, बट यहाँ पे मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में मतलब आप कभी भी किसी भी लीनियर फंक्शन को टी पुट कर सकते हैं, कभी कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, आराम से हो जाएंगे। इनफैक्ट देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, इसको मैं आगे बढ़ू, ध्यान देना भाई। बेटा अगर क्वेश्चन ये होता x माइनस 2 इंटू में रूट एक्स, सुन लो भाई करना मत, अगर ये होता तो आप आराम से कर लेते, कर ले कुछ नहीं, यूवी रूल मैंने कब करा दिया भाई, मैंने तो स्पेशली बोला था देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, इनफैक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको से क्या आएगा, x बार 3/2 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे x पर 1/2 आ गया। ये तो हमने सिंपली एक्सपैंड कर दिया ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था, फर्स्ट क्लास में कराया था। ठीक है भाई, उसके बाद आप कर लोगे फॉर्मूला आगे कर लोगे, हाँ ये तो हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। तो आज के लिए क्या नया है, नया ये है, सुन लो भाई अगर ये होता इधर देख लो तो क्या करते, तो नहीं कर पाएंगे आप, फंस गए आप रूट के अंदर x माइनस 2 है ना। लेकिन मैंने क्यों दिखाया, इधर देख लो भाई आप चाहे ऐसे भी लिख ले तो भी नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको अंदर नहीं भेज सकते। ठीक है, तो फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि रूट के अंदर बड़ी सी चीज है, बट अगर वही छोटी सी चीज होती x माइनस 2 की जगह t होता तो काम बन जाता, इसलिए हम x माइनस 2 को t पुट कर देंगे। वैसे भी मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बोला कि एक किसी भी लीनियर फंक्शन को कभी भी टी पुट करो, फायदा ही मिलेगा, घाटा कभी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई ही हुआ ओके। देवांग बेटा समझ में आ रहा है, सो व्हाट आई विल डू हियर फॉर टी इक्वल्स टू x माइनस 2 बेटा dt बाय dx इक्वल्स टू 1, सो dt इक्वल्स टू dx। ठीक है गाइस, तो ये जो है dx इसकी जगह हम dt लिख देंगे, देखना जरा ध्यान देना भाई सब लोग, मैं dx की जगह जानबूझ के dt लिख रहा हूँ क्योंकि dx dt के बाहर है। लेकिन देखो भाई यहाँ पे गड़बड़ होने वाली बात है, x माइनस 2 की जगह मैं क्या डालूंगा, क्योंकि मैंने x माइनस 2 को ही तो टी पुट किया है, t लिख दूंगा, ये लो लिख रहा हूँ। अब बेचारा यहाँ पे x रह गया, कभी भी एक बार अगर आपने पुट कर दिया नया वेरिएबल लेके आ गया t, तो हर जगह t ही नजर आना चाहिए। अब ये दुनिया t की बनानी है, हमें x की नहीं बनानी है, x किसी का किसी भी काम कर रही है, तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल लो।
ठीक है, क्या हुआ x यहां से, ठीक है ये x बेकार है, बोला ना अब t की दुनिया होनी चाहिए यहां पे, x नहीं, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली है t के टर्म में, गाइस देख रहे हो आपने, सबने देख लिया, हमने x की वैल्यू निकाल ली है t के टर्म में, यहां से क्या गया t plus 2, अब मैं अलग हुआ t plus 2, आगे का प्रोसेस वही है जो मैंने ऊपर बताया था, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। अब क्या होगा, आप तो आगे कर ही लेंगे, हर कोई कर लेगा यार, रूट टी क्या होता है, टी बार वन बाई टू होता है, और ब्रैकेट में क्या है टी प्लस टू, क्या करेंगे गाइस मल्टीप्लाई कर लो, टी बार थ्री बाई टू प्लस टू इंटू टी बार वन बाई टू, अरे इंटीग्रेट कर दिया क्या मैंने अभी, नहीं इंटीग्रेट नहीं किया अभी, प्लस प्लस सी नहीं, अभी तो इंटीग्रेट किया ही नहीं, अब इंटीग्रेट कर दो गाइस जल्दी से, ठीक है अब फटाफट से इंटीग्रेट कर दो गाइस, ठीक है क्लियर है, किसी को भी कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझे अभी बोल दें, आसान सी चीजें हैं, कुछ खास नहीं है इनमें रखा हुआ। बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंसेस पढ़ाया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स, और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले रिकॉल कराए थे थोड़े से, ठीक है इनके अलावा और भी फॉर्मूले थे डेरिवेटिव के, बेटा जिसको डाउट है ना डेरिवेटिव में प्लीज मुझे बता देना, ये वाले फॉर्मूले लिखवाए थे, इसके अलावा मैं दो फॉर्मूले और याद दिला देता हूँ, रूट एक्स का होता है गाइस वन बाय टू रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स क्या होता है माइनस वन बाय एक्स, ठीक है भाई क्लियर है। तो बेटा देखना जरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको ये तो आप कर लोगे या करा देता हूँ मैं, देखना जरा भाई टी बार थ्री बाय टू का क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टी बार फाइव बाय टू होगा, एक ऐड कर देते नीचे भी फाइव बाय टू आएगा, फाइव बाय टू का उल्टा हो गया टू बाय फाइव प्लस गाइस ये टू बार आ जाएगा, देखो टू विल कम आउटसाइड, बेटा टी की बार वन बाय टू क्या होगा, देखो ये होगा टी की बार वन बाय टू प्लस वन, वन बाय टू प्लस वन, ऐसे करते हैं बेटा ये कितना आ गया थ्री बाय टू क्या हो गया टी बार थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा बेटा क्या बन जाएगा टू बाय थ्री इंटू टी की बार प्लस। अब इतनी छोटी छोटी चीजें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट तभी लिखो जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो तुम इसी में गलती करोगे, ठीक है। तो आराम से करो भी फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी बड़े क्वेश्चन में इसको आराम से कर लेंगे। गाइस क्या हुआ टू बाय फाइव टी की पार फाइव बाय टू प्लस फोर बाय थ्री टी की पार थ्री बाय टू प्लस सी, वॉट इज द वैल्यू ऑफ टी, आई थिंक एक्स माइनस टू था, यही था ना, बस हमने लिख दिया, ठीक है गाइस किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो मुझे अभी के अभी, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और देखते हो क्या गुल खिलाते हो, बता दिया मैंने पहले ही सब कुछ, ट्राई करेंगे सब लोग, किसको क्या पुट करना चाहिए 2x माइनस 3 को, वैसे भी देखो ना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा लग रहा है रूट वाला, और 2x माइनस 3 उसको अगर हम t मान लें, फिर देखो वैसे ही मैंने बोला था कि लीनियर फंक्शन को t मानने में हिचकिचाना ही नहीं है, उससे हमेशा क्वेश्चन सिंपल होगा ही होगा। गाइस क्या करना है, पुट t इक्वल्स टू 2x माइनस 3, सूरज भी है सूरज गायब है, देख dt बाय dx 15 बच्चे इस वाले में भी 15 सोलह बच्चे, हाँ जी गाइस देख रहे ना कुछ ऑनलाइन आते हैं ना बेटा, क्या होगा यहाँ पे dt बाय dx 2, ठीक है 1 बाय 2 dt इक्वल्स टू dx, गाइस ध्यान देना जरा dx की जगह 1 बाय 2 dt लिख दिया, अभी हुआ नहीं है नीचे क्या आ गया रूट टी आ गया, लेकिन अभी भी फंस गए आप, आपको x चाहिए क्या ये, नहीं आप यहाँ से गाइस x की वैल्यू निकालोगे, अरे बातें नहीं हो गया तेरा, गया दिखा दे रखा गया पूरा हो गया,
क्या लिखा है ऊपर बता दो जरा, एक्स क्या लिख रहा है जल्दी बोल। ये बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, यहाँ से एक्स निकालोगे क्या आएगा, टी प्लस थ्री इक्व टू एक्स इक्व टू एक्स, टी प्लस थ्री बाय टू इक्व टू एक्स, ठीक है, वन बाय टू टी प्लस थ्री बाय टू डिवाइड बाय रूट टू, ठीक है, बुक में नहीं है क्वेश्चन नहीं अला बेटा, ये तो टू है मैंने उसका वन बाय टू भी बाहर निकाल लिया, ऐसा आ गया। नाउ डिवाइड इन सेपरेट, बताया था डिवाइड इन सेपरेट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है, ओके, सो जस्ट डिवाइड इन सेपरेट यू गेट द आंसर टी बाय रूट टी प्लस थ्री बाय रूट टी, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, रूट टी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, थ्री बाय रूट टी आ गया। अलग करके करेंगे हम, ठीक है भाई, आगे क्या करोगे, आगे कर लोगे, हो जाएगा बेटा आज की क्लास बस इतना, हाँ आज की क्लास बस इतनी ही, ठीक है, लेट्स सॉल्व फॉर टुडे।